पुरस्कार विजेता पत्रकार दनिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में हुई मृत्यु के बाद हर किसी की आंखें नम है। इस बीच शहर में राष्ट्रवादी के आमदार प्रकाश कजपी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनीस समेत अन्य लोगों ने दनिश सिद्दीकी के नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। अफगानिस्तान में हुई भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दनिश सिद्दीकी के निधन के बाद हर कोई भावुक हो गया है। हर कोई नम आंखों से दनिश को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिसके चलते शहर में आमदार प्रकाश कजपी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनीस समेत अन्य लोगों ने दनिश को श्रद्धांजलि दी। इस वक्त दनिश के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए आमदार प्रकाश कजपी ने कहा कि हमने एक बहुत अच्छे पत्रकार को खोया है, जिसकी हमें हमेशा कमी खलेगी। दनिश सिद्दीकी नाम का एक जानी मानी हस्ती फोटोग्राफर, जिसके नाम पे पूरे देश में अच्छे अवार्डों से उनको नवाजा गया। अफगानिस्तान में जाने के बाद में वो चकमक में ऐसे आदमी की मृत्यु हो गई जिसकी ज़रूरत इस देश को थी और देश के लिए एक हीरा है दनिश सिद्दीकी। निश्चित तौर से हमारा बहुत बड़ा इस देश का नुकसान हो गया और पत्रकारिता में एक ऐसा नाम कि जिसके नाम से पूरा भारतवर्ष निश्चित तौर से नाम लेता था भारतवर्ष, इसलिए वो जाने से हमारी बहुत क्षति हो गई और ये क्षति कोई भर के नहीं निकलने वाली है। मैं उनके आत्मा को शांति मिले, इंशाल्लाह उसको अपने पास अच्छी जगह दे और उसके परिवार को ये सहन करने की शक्ति सामर्थ्य बल दे, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान को करता हूँ और उनको मैं आदरांजलि व्यक्त करता हूँ। यहाँ पैन कैन और जो फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दनिश बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर थे और उन्होंने देश के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है, ऐसा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनीस ने कहा। इस दौरान उन्होंने दनिश को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। फारच म्हणजे कोऑपरेटिव्ह होता, हेल्प करणारा, गाईड करणारा या प्रकारचा होता आणि कधी पण मार्गदर्शन करायला तत्पर असायचा। त्याच्यामुळे त्याच्याबरोबर राहण्याकरता असं फ्री वाटायचं, काही असं कधी वाटलं नाही की हा मोठा फोटोग्राफर आहे किंवा कधी जाणव दिलं नाही, त्याच्या कामात फार तत्पर होतो। ही इज अ व्हेरी कमिटेड फोटोग्राफर, डेडिकेटेड फोटोग्राफर। फोटोग्राफर प्रशांत भूत ने इस दौरान कहा कि दनिश के साथ मेरी अच्छी मित्रता थी, मैंने उसके साथ बहुत बार काम किया है और वो हमेशा ही हर किसी का मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहता था। ये अतिशय नावाजलेले जे फोटोग्राफर होते आणि देशासाठी त्यांनी अतिशय उत्कृष्ट काम केलेलं आहे आणि त्यांचं हे दुःखद निधन झालं आहे, त्यामुळे त्यांचे जे साधना आहे त्या शांती देव अशी प्रार्थना करतो आणि श्रद्धांजली वाहतो। बता दें कि फोटो जर्नलिस्ट दनिश सिद्दीकी कंधार की स्पेन बोल्डिक जिले में झड़प को कवर कर रहे थे, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान के साथ प्रमुख सीमा पार कर ली थी। इसी दौरान उनका मुठभेड़ में निधन हो गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।